रूस के खजान पर दुनिया की नजर, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। भारत चीन के रिश्तों में नया अध्याय, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद यह औपचारिक वार्ता। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों में गहराए थे मतभेद। मोदी और जिनपिंग की बैठक से पहले लद्दाख में LSC पर हुई सुलह पिछले 4 सालों से चल रहा था। जिनपिंग से मुलाकात से पहले ब्रिक्स के आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग दिखे साथ। खजाना एक्सपो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर चिंता जताई, कहा ब्रिक्स दुनिया को सही रास्ते पर ले जाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के महत्व को बताते हुए कहा ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं जनहितकारी समूह विचारधाराओं का संगम बना। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत युद्ध नहीं बल्कि संवाद और कूटनीतिक का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, कहा आतंक के मुद्दे पर हमें एकजुट होना होगा, आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन ग्रोथ को दिया विशेष जोर, कहा पर्यावरण पर कई कदम उठाए गए हैं, एक पेड़ मां के नाम का अभियान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स सक्षम है, आर्थिक सहयोग में ब्रिक्स का रोल अहम। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स में नए सदस्यों का किया स्वागत, रूस की सफल अध्यक्षता के लिए आभार। ब्रिक्स समिट की तस्वीरें निकलकर सामने आई, तस्वीर में एक साथ खड़े नजर आए राष्ट्रपति पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोशल मीडिया पर लिखा पिक ऑफ द डे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड से किया नामांकन, नामांकन से पहले रोड शो में राहुल गांधी भी नजर आए साथ। प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी आगाज, नॉमिनेशन से पहले वायनाड में प्रियंका गांधी का रोड शो। वाराण में प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है समर्थकों को संबोधित, विपक्ष को जमकर साधा उन्होंने निशाना, सभा में सोनिया गांधी भी मौजूद रही। वाराण में प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संबोधन में कहा अपने लिए पहली बार प्रचार कर रही। प्रियंका गांधी वाड्रा की सभा में बोले राहुल गांधी, कहा वाराण की जनता के लिए हित के लिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा है मैदान में, लेफ्ट की ओर से सीनियर नेता सत्यन मैदान में। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी कर दी एक और लिस्ट, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 10 सीटों पर घोषित किए गए प्रत्याशी। कांग्रेस ने पंजाब के 4 और पश्चिम बंगाल के 6 उम्मीदवारों के नाम कर दिए घोषित, गिद्दड़ बाहा से अमृता को दिया गया मौका। पश्चिम बंगाल की मेदिनापुर सीट से श्यामलाल घोष को कांग्रेस ने बताया उम्मीदवार, कांग्रेस ने एक्स पर साझा की लिस्ट। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनसीपी अजीत पवार ने जारी कर दी 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बारामती से चुनाव लड़ेंगे अजीत पवार। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री नीतीश ने सुपौल में 493 करोड़ की योजनाओं का कर दिया बड़ा तोहफा, 99 योजनाओं के उद्घाटन के साथ 112 योजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश ने भपटियाही स्थित रेल ओवर ब्रिज के साथ मॉडल थाना का शुभारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक, अहम प्रस्ताव पर लगा दी मुहर, स्वास्थ्य शिक्षा पेंशनर्स और वन संरक्षण की दिशा में लिए गए अहम फैसले। ई विधानसभा बनने के बाद उत्तराखंड का आगामी विधानसभा सत्र होगा पेपरलेस, साइबर अटैक से सुरक्षा के लिए खुद का होगा पूरा सिस्टम। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मुजफ्फा सिद्दीकी ने फूलपुर सीट से किया नामांकन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन, उत्तर प्रदेश में जगह जगह लगे बधाई के पोस्टर्स। पोस्टर्स में अखिलेश यादव को बताया गया साल 2027 को उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री, पोस्टर्स में लिखा है 27 का सत्ताधीश। लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश और गिरिराज सिंह पर साधा निशाना, कहा दोनों के राज में कोई फर्क नहीं है। गिरिराज
का है, विश्व है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। लालू प्रसाद यादव ने गिरिराज और प्रदीप सिंह के बयान पर किया पलटवार, का हम लोगों के रहते कोई कैसे करा देगा दंगा। गुजरात में बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत 1,10,00,000 बने सदस्य, 31 अक्टूबर तक चलेगा सक्रिय सदस्यता अभियान। खत्म होने वाला है वंदे भारत का स्लीपर कोच का इंतजार, ICF में तैयार हुआ वंदे भारत का स्लीपर रैंक। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में लग्जरी होगा सफर, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की तादाद में बढ़ोतरी की घोषणा। स्लीपर कोच में अधिक आरामदायक सीटों के साथ क्लासिक लकड़ी का डिजाइन। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलने से यात्रियों को लंबी यात्रा के दौरान राहत का अनुभव होगा। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकारों को गंभीरता नहीं बरतने पर फटकार लगाई। पंजाब और हरियाणा पर पराली जलाए जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, पूछा क्या काम कर रहे हैं आप सब। राजधानी दिल्ली में गिराया प्रदूषण का संकट, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार। प्रदूषण को देखते हुए सुबह और शाम के वक्त जाने से बचने की सलाह। आनंद विहार और जनकपुरी इलाके में क्यों 400 के पार। दिल्ली के बवाना में 391 पहुंच गया एक क्यूआई। दिल्ली सटे तीन राज्यों में गोपाल राय ने लिखी चिट्ठी, डीजल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली ना भेजने की अपील। दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से अपील की, कहा CNG और इलेक्ट्रिक बसों को ही भेजे। दिल्ली के साथ हरियाणा में भी खराब स्तर पर पहुंच गया गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार। सोनीपत में 331 के पार पहुंच गया वायु गुणवत्ता सूचकांक। राणा को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट, प्रचंड रूप ले सकता है चक्रवाती तूफान। पुरी के पास होगा चक्रवाती तूफान डाना का लैंडफॉल, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की अपील की है, ओडिशा के 14 जिलों में अलर्ट। तूफान से ओडिशा की आधी आबादी होगी प्रभावित, 3,000 गांवों से 10,00,000 लोगों को राहत शिविरों में भेजने की योजना। ओडिशा और पश्चिम बंगाल भीषण चक्रवाती तूफान के लिए तैयार, हालात को देखते हुए बंद किए गए स्कूल कॉलेजेस। बंगाल के हावड़ा में ईडी का बड़ा एक्शन, ईडी ने राशन डिपो पर की छापेमारी, तलाशी ली। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में श्री लक्ष्मी भंडार पर भी ईडी का छापा, तलाशी जारी। चेन्नई में भी तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के छात्रावास पर ईडी का छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला। पूरे आंध्र प्रदेश में शराब की भट्टियों पर CID की छापेमारी, बड़े पैमाने पर हो रही है कार्रवाई। दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में भारी भूस्खलन, मलबे के चलते बंद हुई सड़कें। बेंगलुरु में ढही निर्माणाधीन इमारत, मौके पर बचाव कार्य जारी। हादसे के वक्त 20 लोगों के फंसे होने का था अनुमान, 14 लोगों को जिंदा निकाला गया बाहर। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे डिप्टी CM DK शिव कुमार, हादसे पर जताया दुख। कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष ने रात भर बचाव अभियान पर रखी नजर, कहा सभी को बचाने की कर रहे हैं कोशिश। NDRF के जवान मलबे में फंसे मजदूरों से बातचीत करने की कर रहे हैं कोशिश, लोगों को बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी। दिवाली पर मनाए जाने वाले दीपोत्सव के लिए दुल्हन की तरह सज धज रही है रामनगरी अयोध्या, रंग बिरंगी लाइट से सराबोर। अयोध्या में शुरू हुआ लेजर शो, 3D लाइट्स के जरिए लोगों को दिखाई जा रही है भगवान राम की कहानी। दीवार पर लोगों को दिखाया जा रहे हैं रामायण के सभी खंड, शानदार लाइट्स ने सभी को किया आकर्षण। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माता कामाख्या के दर्शन के लिए पहुंचे गुवाहाटी, कहा चुनाव से पहले लेने आए हैं माता का आशीर्वाद।
कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो की सेवा को 24 अक्टूबर को पूरे हो जाएंगे 40 साल। साल 1984 में शुरू हुई थी सेवा। पेटीएम को बड़ी राहत, नए यूपीआई यूजर को जोड़ने को मिली एनपीसीआई की मंजूरी। सर्कुलर का पालन करने के बाद पेटीएम को मिली मंजूरी, कंपनी को 4 बैंकों के जरिए लेन देन की इजाजत। बीएसई को पेटीएम ने दी एनपीसीआई से मंजूरी की जानकारी, 7 महीने पहले लगी थी नए ग्राहक जोड़ने पर रोक। ओडिशा में महिला कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है, हर महीने मिलेगी 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी। बांग्लादेश में फिर से हिंसा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन को घेरने पहुंची भीड़ पर लाठीचार्ज। फिल्म कांगुआ का दूसरा गाना योलो जारी, सूर्या और दिशा पाटनी पर फिल्माया गया है गाना। बुलबुलैया 3 का गाना जाना समझा ना रिलीज, गाने में कार्तिक तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आ रही है। वेब सीरीज मिथ्या द डार्क चैप्टर का ट्रेलर जारी। फिल्म सिंगिंग अमेजिंग में सलमान खान की एंट्री, सलमान खान करेंगे कैमियो, अक्षय और रणवीर सिंह भी आएंगे नजर। एक्ट्रेस दृष्टि धामी के घर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म।